गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ सौरभ चौहान और आज आपको मैं लेके आया हूँ गुजरात के सूरत शहर में। तो आज हम ट्राई करने वाले कसूरी मेथी वाले पापड़ा। तो चलिए इसकी पूरी मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। यहाँ पे पापड़ा के लिए आटा लगाने जा रहे हैं। तो हाँ, ये बेसन लगता है। तो ये अभी डाल दिया बेसन और ये आएगा नमक और सोडा। नमक और सोडा? हाँ, सोडा सॉफ्ट बनाने के लिए। हाँ, सॉफ्ट बनाने के लिए और टेस्टी के लिए। और ये आ गया ऑयल। हाँ, आटे लगाने के लिए ऑयल चाहिए इसमें ज्यादा। सिंगल लगता है कि और कोई और? नहीं, कपास ये यूज करते हैं। हाँ, अपन कपास ये यूज करते हैं। ये आएगा अजवाइन। हाँ, अजवाइन जिसको बोलते हैं वो अजवाइन आ जाएगा। हाँ, ये रह गया लिक्विड हिंग। हाँ, लिक्विड हिंग इसको पानी में पिघला जाता है, बनाने के बाद उसको आटे में मिक्स किया जाता है। और ये आ गया मिनरल वाटर। मिनरल वाटर? हाँ, आटा लगाने के लिए तो एकदम हल्का सा ही डालना पड़ता है, बाकी इसका आटा तो एकदम ऑयल से ही लगता है। तो आप लोग हींग कौन सी यूज़ कर रहे हो इसमें? ये तो भावनगर का फेमस आता है, बांधा का हींग बोलते हैं इसको। हाँ, पूरा एकदम लिक्विड टाइप आता है। पर ये हमारा जो फाफड़ा है वो कसूरी मेथी वाला फाफड़ा है? हाँ, कसूरी मेथी फाफड़ा बनाने जा रहे हैं। कसूरी मेथी वाले फाफड़े पूरे गुजरात में अभी नहीं, अभी तक कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखते हैं, हाँ जी, तो देखिए कैसे यहाँ पे अभी हमारा कसूरी मेथी फाफड़ा का आटा जो रेडी हो गया है। यहाँ पे भैया जी उसको मस्त मिल रहे उसको। हाँ, एक आटा अभी डालने जा रहे हैं कसूरी मेथी। आप अभी आ रही है कसूरी मेथी? हाँ, बराबर। नहीं, वो ये कसूरी मेथी में ऐसा नहीं रहता है और हाँ, इतना ज्यादा नहीं डालते। कसूरी मेथी और यह गया काला मिर्च। अखा मरी बोलता है ना जो? हाँ, वो काली मरी पाउडर बराबर। अब इसको थोड़ा मसाल देंगे अपन, एकदम मिक्स हो जाएगा। हाँ, तो आप सब थोड़ा थोड़ा करके ही बनाते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा लाइव। हाँ हाँ, लाइव रहता है क्योंकि वो फिर जो मेथी रहता है ना वो हो जाता है, फूट जाता है पूरा मसलने से। जितना आटा चाहिए उतना मिक्स है, वैसा ऐसे प्रॉपर तरीके से बनता है। हाँ, प्रोसेस पूरा होके बनता है। ये लगाए तेल जाके, अब थोड़ा मसलेंगे इसको। ये अपना आटा हो गया एकदम रेडी बराबर। अब फाफड़ा बनाने जा रहे हैं। ओके, सो गाइस, चलो रेडी हो, अंदर ना घुसो। चलो सेकंड यूज। हाँ, एकदम गुजराती का नाइलॉन फाफड़ा रहता है। नाइलॉन फाफड़ा काफी मेहनत लगती है ना? हाँ, बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगता है। पूरे दिन का 15 किलो जैसा आटा अभी खत्म करते हैं मंदी के हिसाब से। गुजराती ब्रेकफास्ट से इधर सब क्या है, गुजराती सब रहने वाले हैं यहाँ के, थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। चलो, ये अपना फाफड़ा हो गया खत्म बापू। बराबर पलटी मारी। वनेला काठिया बोलते हैं, उसका आटा भी सेम रहता है कि? हाँ हाँ हाँ, सेम ही रहता है, थोड़ा इसके हिसाब से ही रहता है। उसमें कसूरी मेथी नहीं आती? नहीं, उसमें भी आएगी ना? भी आएगी। हाँ, उसमें भी कसूरी मेथी डालेंगे। उसका टेस्ट तो कुछ अलग ही लगेगा? हाँ, टेस्ट अलग ही रहेगा उसका भी। ये थोड़ा खाने में क्रिस्पी रहता है और वनेला गठिया जो रहता है ना एकदम सॉफ्ट टाइप रहते हैं। हाँ, अच्छे से रेडी हो गया। हाँ, एकदम हो गया। अभी इसको डालेंगे डिश में।
वनेला गठिया बनाने जा रहे हो मेथी फ्लेवर में। मेथी फ्लेवर हाँ, इसमें भी कसूरी मेथी रहेगा, अखा मिर्च रहेगा, काला मिर्च उसके जैसा। चले हो गया गठिया, एकदम रेडी हो गया। कसूरी मेथी वाला गठिया, हाँ कसूरी मेथी वाला गठिया। अभी अपन करेंगे मिर्ची फ्राइज के साथ। ऐसा करने का कोई रीजन है मतलब? हाँ मतलब वो क्या, वो तेल वो नहीं होगा, छिड़केगा नहीं फोड़ने से, और ये एकदम अंदर से फ्राई हो जाता है मिर्ची। हाँ चलो निकाल लेता हूँ उसे। हाँ ये भी तैयार हो गया। हाँ इसके ऊपर थोड़ा नमक डाल देते, गरम मिर्ची है इसके लिए, अच्छा लगेगा थोड़ा। और इसमें रख देंगे जलेबी। जलेबी हाँ, पूरी प्रॉपर डिश रेडी हो जाएगी। हाँ पूरा प्रॉपर डिश रेडी हो जाएगा एकदम। ये रहेगी क्रिस्पी जलेबी कसूरी। हाँ और इसके साथ चटनी वगैरह आएगा। गुजरात में एक ऐसी जगह है यहाँ पे सूरत में जहाँ पे गांठिये में भी कसूरी मेथी डालते हैं और फाफड़े में भी कसूरी मेथी डालते हैं, तो चलिए टेस्ट करते हैं कैसा लगता है कसूरी मेथी वाले फाफड़े। तो चलिए टेस्ट करते हैं, करते लहसुन की ठंडी चटनी के साथ फाफड़ा कैसा लग रहा है। फाफड़े एकदम क्रिस्पी है, मस्त सॉफ्ट है। ये ठंडी चटनी है लहसुन की, लहसुन की ठंडी चटनी है, हम उसको भी टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। एक नंबर लगता है लहसुन की चटनी का, वो भी ठंडी चटनी है तो उसके साथ टेस्ट कुछ अलग ही आएगा। इसको जो ग्रीन चटनी आती है उसके साथ टेस्ट करते हैं कैसा लगता है ग्रीन चटनी के साथ। तो जो कसूरी मेथी वाले फाफड़े हैं वो बहुत टेस्ट में एकदम बढ़िया लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत जगह पे फाफड़े खाए हैं लेकिन वहाँ पे जो मतलब उसमें सिंपल रहता है और कुछ डाला नहीं रहता। तो अगर आप भी सूरत में रहते हो तो सूरत विजिट कर दो, तो आप एक बार ये फाफड़े जो मिलते हैं यहाँ पे कसूरी मेथी वाले फाफड़े, तो आप एक बार ट्राई करना जरूर आना, आपको अच्छा लगेगा। कितने टाइम से इस धंधे में लगे हो? यहाँ मेरे को करीबन 12-13 साल हो गया यहाँ वी आई पी सर्कल पे। तो आपने कैसे सोचा कि आपको मतलब फाफड़ा का ट्राई करना है? कुछ नया सोच रहा था, मार्केट में सब पुराना चीज तो हो गया था, वो फाफड़ा गाठिया हो तो सब थे। फाफड़ा तो मिल ही रहे, लेकिन आपके यहाँ पे कुछ अलग ही फाफड़ा है, अलग बनाया है। हमने बोला कुछ कसूरी मेथी बनाते हैं। इसलिए यहाँ का एड्रेस वीआईपी सर्कल, वीआईपी खाउदरा गली, उत्तराण मोटावरा सा। सवेरे 5:30 बजे से दोपहर को 12 बजे तक, और 12 से 3 लंच रहता है, फिर 3 बजे के बाद रहता है शाम को 7:30 बजे तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चले मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जैसे कृष्ण, हाउ यू।